हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 26 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। नीति आयोग हैज ऑर्गेनाइज्ड ए डे लॉन्ग फिनटेक कॉन्क्लेव एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। द कॉन्क्लेव वाज इनोग्रेटेड बाई RBI गवर्नर शशिकांत दास। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज टू शेप इंडियाज कंटिन्यूड Ascendance in fintech, build the narrative for future strategy and policy effort, and to deliberate steps for comprehensive financial inclusion. नीति आयोग ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक दिवसीय फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य फिनटेक में भारत के प्रभुत्व को निरंतर आकार देना, भविष्य की रणनीति और नीतिगत प्रयासों के विवरण का निर्माण करना तथा व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक कदम बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एम्बार्क ऑन ए स्टेट विजिट टू क्रोएशिया, बोलिविया एंड चिली टू होल्ड टॉक्स with the leaders of these countries and strengthen ties in trade, investment and renewable energy. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्रोएशिया, बोलिविया और चिली की राजकीय यात्रा पर इन देशों के नेताओं से बातचीत करने तथा व्यापार, निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा में संबंधों को मजबूत करने की शुरुआत की है। नेक्स्ट, ओमान हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट अलाउ अमेरिकन शिप्स एंड प्लान्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। ओमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो अमेरिकी जहाजों और लड़ाकू विमानों को अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों का लाभ उठाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, रैंक और रिपोर्ट्स की। In accordance with the preliminary World Airport Traffic Rankings for 2018 released by Airport Council International ACI, Indira Gandhi International Airport IGIA of New Delhi has elevated 4 ranks to reach at 12th spot in terms of the busiest airport as compared to 2017-16th spot. एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2018 के प्रारंभिक विश्व हवाई अड्डे की यातायात रैंकिंग के अनुसार सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे के संबंध में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2017 के 16वें स्थान से 12वें स्थान पर पहुंचकर 4 रैंकों की वृद्धि की है। तो इसका मतलब यह है कि 2017 में IGAI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की श्रेणी में 16वें स्थान पर था और वर्तमान यानी कि 2018 में यह 12वें स्थान पर पहुंच गया है। इंडिया हैज मूव्ड अप 2 प्लेसेस टू रैंक 76th ऑन ए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। द एनुअल लिस्ट कंपाइल्ड बाय जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रैंक्ड 115 इकोनॉमिक्स ऑन हाउ वेल दे आर एबल टू बैलेंस एनर्जी सिक्योरिटी एंड एसेस विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। स्वीडन रिमेन्स on the top and is followed by Switzerland and Norway in the top 3. भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में क्षेत्रीय स्थान पर से 2 स्थान ऊपर चला गया है। जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित वार्षिक सूची में 115 अर्थव्यवस्था को स्थान दिया गया है।
कि वे ऊर्जा सुरक्षा व पर्यावरणीय स्थिरता और सामर्थ्य के मार्ग को संतुलित करने में कितने सक्षम है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रेजिग्नेशन इस्तीफों और त्याग पत्रों की। जेट एयरवेज फाउंडर्स नरेश गोयल एंड वाइफ अनिता गोयल हैव स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द केस स्ट्रेप एयरलाइन विद दीज नरेश गोयल सीजेस टू बी चेयरमैन अनदर डायरेक्टर केविन नाइट हैज आल्सो रिजाइंड। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और पत्नी अनिता गोयल ने कैश स्ट्रेप एयरलाइंस बोर्ड से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही नरेश गोयल अध्यक्ष पद से स्थगित हुए। एक और निदेशक केविन नाइट ने भी इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट गफूर रहीमो अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन क्लेमिंग दैट पॉलिटिकल बेस्ड डिस्कशन वर हार्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस। रोइमो विल बी रिप्लेस्ड बाई एन इंटरिम प्रेसिडेंट। एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष गफूर रहीमो ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए दावा किया कि राजनीति आधारित चर्चाएं संगठनों की प्रगति को नुकसान पहुंचा रही है। रहीमो को अंतरिम राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। विनर्स ऑफ द 64th फिल्मफेयर अवार्ड वर अनाउंस्ड एट जियो गार्डन बीकेसी मुंबई। आलिया भट्ट वॉन बेस्ट एक्ट्रेस फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ ए स्पाई वाइल राजी आल्सो फेस्ट मेघना गुलजार द बेस्ट डायरेक्टर फिल्म मेकर अवार्ड। राजी आल्सो ग्रेब्ड द बेस्ट फिल्म ट्रॉफी एंड रणधीर कपूर मुंबई के बीकेसी के जियो गार्डन में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की गई। आलिया भट्ट ने जासूस की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, जबकि रजी ने मेघना गुलजार को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। राजी ने बेस्ट फिल्म ट्रॉफी भी हासिल की है। नेक्स्ट द ललित कला अकादमी अनाउंस्ड 15 विनर्स ऑफ द 16th एनुअल अकेडमी अवार्ड। All the awardees were honored with a plaque, a shawl and prize money of 1 lakh rupees at the 16th National Exhibition of Art. ललित कला अकादमी ने 60वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार के 15 विजेताओं की घोषणा की। सभी पुरस्कार विजेताओं को कला की 60वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में एक प्लेक, एक शॉल और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पुस्तकें और लेखकों की। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी लॉन्चेज द बुक टाइटल एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला। पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस शीर्षक से पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक के लेखक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला है। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना हैज बिकम द फर्स्ट इवर क्रिकेटर टू रीच 5000 रन्स इन इंडियन प्रीमियर लीग। द 32 ईयर ओल्ड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अचीव्ड द फीट आफ्टर स्कोरिंग 15 रन्स इन द आईपीएल 2019 ओपनर अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल में 5000 रन तक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 32 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ आईपीएल 2019 के ओपनर में 15 रन बनाने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। और मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कॉम्पिटिशन चैनल और इसके अलावा हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम फेसबुक और अनअकैडमी ऐप पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।